अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मलिक उमर। तो व्यूअर्स, आज तीन टॉपिक्स बस। पहले नंबर पे पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान हो चुका है न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ। दूसरे नंबर पे धोखेबाज पाकिस्तान की क्रिकेट को जलील करने वाले पाकिस्तानी पहले ऐसे चेयरमैन जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को जलील कर दिया, ज़का अशरफ। तीसरे नंबर पे द किंग द ग्रेट बाबर आजम। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आप लोगों के साथ टीम शेयर करूंगा जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी सीरीज आ रही है। न्यूजीलैंड में T20 स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। पहले नंबर हैं जी शाहीन शाह अफरीदी, बतौर कप्तान उनकी पहली सीरीज है। देखना होगा आगे चल के कैसे कप्तान साबित होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए PSL में अभी तक दो सीजन में कैप्टनसी कर चुके हैं और दोनों सीजन लाहौर कलंदर को अच्छी मार्जिन से, अच्छे विनिंग परसेंटेज से जिता चुके हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। उसके बाद जी बाबर आजम द ग्रेट द किंग, बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे कि उनको T20 से ड्रॉप किया जाएगा। ड्रॉप जरूर किया जाएगा मगर अभी नहीं, थोड़े देर के बाद। उसके बाद आ जाते हैं जी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, उसके बाद फखर जमान, साइम अयूब, इफ्तखार अहमद, मोहम्मद नवाज पे हम चर्चा करेंगे, अबरार अहमद, उसामा मीर, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान, आमिर जमाल, आजम खान, अब्बास अफरीदी, साहबजादा फरहान और हसीबुल्ला खान। ये 17 प्लेयर्स जी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आज अनाउंस किए हैं जो कि T20 सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएंगे और बतौर कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी की ये पहली सीरीज है। तो मैंने जैसे कि कहा था कि हम बात करेंगे जी मोहम्मद नवाज पे। कुछ महीनों पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 गुजरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, उसमें पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, बहुत से सवाल हर किसी की परफॉर्मेंसेस पे उठे हैं उसी परफॉर्मेंसेस की बेस पे। क्योंकि किसी ने कहा जी शदाब खान इंजर्ड है, उनके पाँव का कोई मसला है इसलिए उनको टीम से ड्रॉप किया गया। अगर वो इंजर्ड है, उनके पाँव का मसला है, तो भाई वो लीग्स कैसे खेल रहे हैं, पहले तो मेरा ये सवाल है। अगर वो इंजर्ड है तो वो लीग कैसे खेल रहे हैं, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते तो लीग कैसे खेल रहे हैं अगर वो इंजर्ड है, पहला मेरा ये सवाल है। उसके बाद बाबर आजम की कप्तानी पे, बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे बड़े सवाल उठते रहे। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पे बड़े सवाल उठते रहे। मोहम्मद नवाज, इस बंदे ने तकरीबन वर्ल्ड कप का हर मैच खेला है तकरीबन, अगर कोई मिस भी हुआ होगा एक या दो मिस हुए होंगे, इससे ज्यादा उस बंदे ने पाकिस्तान की तरफ से कोई मैच मिस नहीं किया वर्ल्ड कप का। आप देखें उस बंदे की जीरो बॉलिंग, जीरो फील्डिंग और जीरो बैटिंग, उस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया और वो दोबारा T20 टीम का हिस्सा बन चुके हैं। या तो उनके पीछे कोई बहुत बड़ी सिफारिश है या देखा जाए तो इमामुल हक की जगह मेन परचीव हुए हैं। तो इस पे आप मेरे दोस्त मुझे बताएं कि क्या वजह हो सकती है कि किस बेस पे मोहम्मद नवाज को टीम में दोबारा शामिल किया गया है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को गुड लक है मेरी तरफ से। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को आने वाले वक्त में T20 वर्ल्ड कप जितवाएंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप एक अच्छे और लकी कैप्टन हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और पाकिस्तान ये सीरीज भी जरूर जीतेगा। अब आ जाऊंगा जी अपने दूसरे मुद्दे पे, द ग्रेट ज़का अशरफ जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब मैं आपसे थोड़ी आज मेरी बात लंबी है लेकिन आप लोगों को सुननी पड़ेगी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में जाते सार दो मैच हुए हैदराबाद में, पाकिस्तान दोनों मैच जीता, अच्छे मार्जिन से जीता। पहला मैच पाकिस्तान जीता नीदरलैंड से, दूसरा मैच पाकिस्तान जीता श्रीलंका से। श्रीलंका के साथ उस विकेट पे सबसे रिकॉर्ड रन चेस पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किया, सबसे बड़ा चेस पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किया, रिकॉर्ड टूटा। मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी मारी और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी जिसकी बदौलत पाकिस्तान वो मैच श्रीलंका से जीता। उसके बाद पाकिस्तान टीम के मैचेस होते गए, ऐसे ऐसे मैच, साउथ अफ्रीका वाला मैच वो देखा जाए तो पाकिस्तान जीता हुआ था, DRS या जो भी इशू हुआ अंपायरिंग, वो सारे चीजें एक साइड पे हैं, वो मैच हमें जीतना चाहिए था। इंडिया वाला मैच फट्टा विकेट, 152 पे दो आउट है और 192 पे ऑल टीम आउट हो गई है, समझ से बाहर, फट्टा विकेट पे, ठीक है। उसके बाद
हमने देखा जाए ऑस्ट्रेलिया वाला मैच क्लोज आके हम हारे, जब तक अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान क्रीज पे मौजूद रहे समझ में आती रही कि गेम बन रही है, गेम बन रही है, गेम बन रही है। जैसे ही अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान गेम से आउट है, इफ्तिखार अहमद आए थोड़ी गेम बनाई, जैसे ही वो आउट है टोटली मैच वन साइडेड चला गया। तो ऐसे ही दो तीन मैचेस हो रहे हैं जो पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे पर पाकिस्तान नहीं जीते। एक अब आप एक चीज देखें, पहले दो मैचेस में जक्का अशरफ इंडिया में मौजूद नहीं थे, दो मैचेस के बाद जक्का अशरफ, जब हमारा भारत के साथ मैच था जक्का अशरफ भारत गए टीम से मिले, तो सुनने में ये आ रहा है कि कुछ 7 से 8 प्लेयर्स को जक्का अशरफ ने ये ऑफर दी कि भाई बाबर की कैप्टनसी में आपने वर्ल्ड कप नहीं जीतना, आप वर्ल्ड कप बाबर की कैप्टनसी में गंदी परफॉर्मेंसेस दे के हरवाएं, मैं आपको कप्तान बना दूंगा। अब ये कड़ी आप लोग कह रहे हैं कैसे मिल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जक्का अशरफ, बल्कि उनका नाम लेते हुए शर्म आ रही है, कहूंगा द ग्रेट जक्का अशरफ, द ग्रेट जक्का अशरफ, जो मिसाल उन्होंने हम 25 करोड़ अवाम के लिए कायम की है। मैं अब इस वीडियो में गालियां नहीं दे सकता, नहीं तो मेरा दिल कर रहा है उस बंदे को गालियां दूं। वो एक डिनर पे बैठे हुए हैं अपनी बहू के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी बहू ये चीज कह रही है जक्का अशरफ को, जो कि ऑडियो लीक हुई है, आप लोग जाके ट्विटर पे ऑडियो सुन सकते हैं, मैं कॉपीराइट की वजह से वो ऑडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता। वो उनको कह रही है कि बाबर आजम से वाइड बॉल क्रिकेट की कैप्टनसी ले ली जाए। उनका क्या तुक बनता है ये कहने का कि बाबर आजम से वाइड बॉल क्रिकेट की कैप्टनसी ले ली जाए? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो बाबर आजम के मैनेजर हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पाकिस्तानी टीम में 8 ऐसे मेन प्लेयर्स हैं जिनको मैनेज कर रहे हैं। पहले नंबर पे बाबर आजम, दूसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, और ऐसे ही 4 प्लेयर्स हो रहे हैं जिनमें अब्दुल्ला शफीक भी शामिल है, जो जिनको वो बंदा मैनेज कर रहा है। उस बंदे के साथ जक्का अशरफ का है जी 36 का आंकड़ा, ठीक है, उस बंदे के साथ 36 का आंकड़ा है। और अगर आप लोग ये सोचें वो बंदा अगर अपने प्लेयर्स को इतना बिजनेस ला के दे सकता है कि वो रातों रात अमीर हो रहे हैं, और हलाल एड्स लेके आया वो बंदा अपनी अपनी बंदों के लिए, बाबर आजम वगैरह के लिए, उनको नीचे से ऊपर तक लेके आया क्योंकि उनका सारा बिजनेस वो मैनेज कर रहा था, उसको नीचा दिखाने के लिए जक्का अशरफ ने बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया। ये उनकी पूरी ऑडियो लीक में मौजूद है। उनकी ऑडियो लीक में ये भी था कि बाबर आजम रेड बॉल की कैप्टनसी ज्वाइन करता रहे, रेड बॉल की कैप्टनसी जारी रखेगा, जबकि वाइड बॉल में हम नए कैप्टन लेके आएंगे। जब से ये ऑडियो लीक हुआ है जक्का अशरफ की एक भी बयान सामने नहीं आया। इसे कहते हैं मक्का फाते अमल। जक्का अशरफ ने शुएब जट, उस बंदे के बारे में मैं क्या कहूँ, जर्नलिस्ट है वो बंदा, उस शोबे के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, नहीं तो उस बंदे को ऐसी ऐसी मैं बात सुनाऊं जो बैठ के पाकिस्तानी कप्तान का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, उसके बारे में बकवास करता रहता है। उसके साथ मिलके और वसीम बदामी के साथ मिलके इन्होंने बाबर आजम की चैट लीक की। मक्का फाते अमल ऐसा हुआ कि वसीम बदामी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। वसीम बदामी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, ARY के एक बंदे ने उस पर उनको टैग करके ट्वीट की कि इस अकाउंट से अगर आप कोई भी ट्वीट करेगा तो वो वसीम बदामी नहीं होगा। और मैं कुर्बान जाऊँ उस हैकर के, मैं उस हैकर का इतना बड़ा फैन हो गया, इतना बड़ा फैन मैं बाबर आजम का नहीं हुआ जितना मैं उस हैकर का फैन हूँ। उसने आगे से वसीम बदामी के अकाउंट से नीचे कमेंट किया कि भाई तू बड़ी वाजे कर रहा है, तेरा अकाउंट भी हैक करूं। उसके बाद से सारे डरे हुए हैं कि भाई बाबर आजम के फैंस तो पागल हैं, वो तो उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे। और दूसरा मकफात अमल ये हुआ कि उस बंदे की, जक्का अशरफ की, 2 टके के बंदे की ऑडियो लीक हो गई और पूरे पाकिस्तान ने, 25 करोड़ बंदे ने उसका असली चेहरा देख लिया। अब मेरा ये सवाल है कि बाबर की कैप्टनसी में, अब जो मैंने आपको कहा था मैं बाबर की बात करूंगा, बाबर की कैप्टनसी में ODI वर्ल्ड कप हमारे कैप्टन चेंज, बाबर आजम की इज्जत ऊपर से नीचे, ठीक है, वो तो प्लेयर उसको अच्छी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं, इन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी बाबर आजम को बदनाम करने की। मैच हारे, बाबर आजम गुनहगार। मोहम्मद आमिर टीम से बाहर, बाबर आजम गुनहगार। इमाद वसीम ने टीम छोड़ दी, बाबर आजम गुनहगार। जो पाकिस्तानी टीम में गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है, बाबर आजम गुनहगार। 11 बंदों में से अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, 10 कर रहे हैं कि नहीं, क्यों, बाबर आजम गुनहगार। हर शिकस्त कौन, बाबर आजम गुनहगार। तो क्या उस बंदे ने पाकिस्तानी टीम का सौदा किया, उसके कप्तान को हराया, वर्ल्ड कप हमें हरवाया जक्का अशरफ ने, तो अब उसका क्या होना चाहिए? मैं अपने व्यूअर से ये सवाल करूंगा कि अब जक्का अशरफ की सजा क्या होनी चाहिए? क्या उनको कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए? क्या उनको
खुद इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए इस ऑडियो लीक के बाद कि भाई मैं इस सीट के काबिल नहीं हूँ जिस सीट पे मैं बैठा हूँ। हमने वहाब यास को अपना चीफ सिलेक्टर बनाया हुआ है, वहाब यास को हमने वजीर खेल बनाया हुआ है। वो बंदा आप लोग यकीन करें महीने का 26 लाख रुपया पीसीबी से ले रहा है, 26 लाख रुपया। मोहम्मद हफीज मैनेजर है पाकिस्तानी टीम का, कोच है, एक दिन का 1 लाख रुपया ले रहा है, यानी कि एक महीने का 30 लाख रुपया। कहाँ से जाता है सारा पैसा? हम लोगों की खून पसीने की कमाई से जाता है, हमारे टैक्सेस से जाता है। कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है। जब इनका दिल करता है, हमारी 25 करोड़ आवाम सिर्फ इस इंतजार में होती है कि भाई पाकिस्तान कोई मैच जीते हम खुश हों, वर्ल्ड कप जीते हम खुश हों। इन्होंने उसका भी सौदा कर लिया, इनको इस चीज़ की शर्म ही नहीं आती। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है मैं जक्का अशरफ को क्या कहूँ। इसी के साथ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाबर आजम, लव यू।